इनके दिमाग में एक हम लोग नरेंद्र मोदी जी का विरोध करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री ने अभी तक कोई आगरा के लिए जो पहले घोषणाएं की तो उनमें कोई काम नहीं हुआ। आगरा की जनता के साथ लगातार छलावा हो रहा है, लोगों के दिमाग में है कि हम लोग विरोध करेंगे। नहीं, उनके खिलाफ है, उनसे तो उनकी पार्टी से विरोध है, उनकी नीतियों से विरोध है हमारा। डेमोक्रेसी में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और हम लोग भी अपने बात अगर कहना चाहते हैं तो कहने देना चाहिए। हम लोग को नजरबंद करने क्या, रात को दारा सिंह यादव को जो प्रमुख महासचिव उनको ताजगंज पुलिस ने हिरासत में लिया, एक बजे छोड़ा, इलीगल डिटेनेशन, गलत बात। लोकतंत्र में आप किस तरह से दबाना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जी ने तो 2013 में आए थे तो जो वादे किए उनमें कोई कुछ नहीं हुआ। आज जिन योजनाओं को लोकार्पण है, न तो देश की सरकार जिसके प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने, न प्रदेश की सरकार जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, इन्होंने एक नया पैसा जारी नहीं किया। सारी योजनाएं जिनका लोकार्पण हो रहा है वो पुरानी सरकार के वक्त की योजनाएं, उन्हीं के न पैसा जारी किया। शिलान्यास जिन योजनाओं को हो रहा उनके कोई बजटीय प्रावधान नहीं, जबकि नियम यह रहा है पुरानी सरकारों में कि जो जिन योजनाओं का शिलान्यास होता है उनका बजट बनता है, टोकन बजट जारी होता है उसके असल, और वो तिथि तय होती है कि किस दिन उद्घाटन होगा। माननीय नेताजी तो अधिकारियों से कह देते थे आज शिलान्यास हो रहा है, वो तारीख बताओ जिस दिन उद्घाटन होगा। आगरा की जनता के साथ टोटल छलावा, आगरा ही पूरे देश की जनता के साथ छलावा। जी सरकार, बीजेपी सरकार दबाव में काम कर रही है। हम लोग कल लखनऊ से आए थे, कल अपने घर पर पहुंचे, खाना खा के लेट रहे थे, इतने में ही इंस्पेक्टर ताजगंज चौक इंचा तुरा मेरे घर पर आए, मेरे घर पर दोस्त दी और उन्होंने मुझे पकड़ के थाने ले गए। मैंने सभी पार्टी वालों को अपने नेताओं को सूचना दी, उन्होंने रात में SSP महोदय CEO साहब से बात की और मुझे रात को 1 बजे छोड़ा। अब हम जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ आए हैं और मोदी जी का विरोध करते हैं, क्योंकि किसान, नौजवान, व्यापारी सब परेशान हैं और ये सरकार नहीं मानेगी तो हम आगे के लिए रणनीति तैयार करेंगे और संघर्ष करने का ऐलान करते हैं। देखिए, निश्चित तौर से ये लोकतंत्र की हत्या करने का काम है सरकार के द्वारा। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। हमने 4 दिन पहले सिटी को DM साहब के नाम से एक पत्र सौंपा था जिसमें कहा गया था कि किसानों की तमाम समस्याएं हैं, नौजवान परेशान हैं, सबको लेकर के हम माननीय प्रधानमंत्री जी से कुछ अपना अनुरोध करना चाहते थे, उनके ज्ञापन देना चाहते थे, उसका समय मांगा गया था। वो समय तो हम लोगों को दिया नहीं, उल्टे हम लोगों को यहाँ सुबह से ही घर पर पुलिस भेज करके नज़रबंद कर दिया गया है, जो निश्चित रूप से लोकतंत्र के, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। कम से कम भाई सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, हम भी लोकतंत्र में एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं। 4.5 साल में आज तक एक भी वायदा ऐसा नहीं है जो आगरा की जनता से किया गया था माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उसको एक इंच भी कहीं खिसकने का काम हुआ हो। ये जितने वायदे या जितनी चीजों का लोकार्पण शिलान्यास करने आ रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, ये पिछली सरकारों की सारी योजनाएं थी। इस उत्तर प्रदेश सरकार ने तो 1 रुपया आगरा में अभी तक किसी मद में खर्च नहीं किया है किसी भी तरीके से। लोगों के साथ निश्चित रूप से ये छलावा कर रहे हैं, उनको भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। अब चुनाव आ गया है तो 4.5 साल बाद पुनः प्रधानमंत्री जी को आगरा की याद आई है। तमाम जिलों में, छोटे छोटे जिलों में एयरपोर्ट तक दे दिया गया, आगरा अंतर्राष्ट्रीय शहर है, भारतवर्ष का नाम आगरा से है, उसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तक नहीं दे पाए, इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। लेकिन इनकी झूठ, इनकी मक्कारी, इनकी चोरी सब जनता के बीच उजागर हो चुकी है। आने वाले सन 2019 के चुनाव में यही आगरा की जनता इनको सबक सिखाएगी और इनको इनकी औकात बताएगी।